आईफोन स्टोर में 50% का डिस्काउंट लगा हुआ है। सोन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो सोन जाकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि आईफोन स्टोर में 50% का डिस्काउंट है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली को आईफोन के बारे में पता चलता है तो गुल्ली बुल्ली हड़बड़ाते हुए आईफोन लेने के लिए जाने लग जाते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को आईफोन काफी पसंद है और आज तो काफी कम कीमतों में गुल्ली बुल्ली को आईफोन मिलने वाला है। अभी गुल्ली बुल्ली सब्जी मार्केट वाले रोड से होते हुए गुजर रहे थे। गुल्ली बुल्ली यहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी गुल्ली बुल्ली को याद आता है कि कुछ दिनों पहले सोन को इसी रोड में एक मॉन्स्टर ने चपड़ी मारी थी और यही बात गुल्ली बुल्ली सोन को भी कह रहे थे। तभी गुल्ली कहता है कि सोन तुम्हें याद है ना कि एक मॉन्स्टर ने तुम्हें चपड़ी मारी थी। अरे ये क्या, सोन ने हंसते हुए गुल्ली को टपली मार दी। गुल्ली बुल्ली मौज मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सिटी पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली आईफोन स्टोर भी पहुंच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली आईफोन स्टोर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दरअसल 50% डिस्काउंट वाली बात गुल्ली बुल्ली को अभी अभी ही पता चली है, इसलिए गुल्ली बुल्ली रात के 11 बजे आईफोन स्टोर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली ये सोचते हुए जा रहे थे कि पता नहीं स्टोर खुला भी होगा या नहीं। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली स्टोर के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, स्टोर तो खुला हुआ है। सोन कहता है वो देखो आईफोन स्टोर। ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी को उधर ही लेकर जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ धमाल मस्ती करते ही हैं और यहाँ भी उन्होंने ये कर डाला। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि ये आदमी तो चुन्नी है और थोड़ी देर में चुन्नी उठकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली कहता है मत मारो मैं बुल्ली हूँ। अरे चुन्नी तुम दूध बेचने का काम कब से छोड़ दिए और तुम यहाँ आईफोन स्टोर के बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम भीख मांग रहे हो? और अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें भीख नहीं देने वाला, क्योंकि मैं आईफोन लेने के लिए आया हूँ और मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। गुल्ली बुल्ली यहाँ पर मजाक मस्ती करने लग जाते हैं कि तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और गुल्ली बुल्ली को देख लेता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोगों ने बोर्ड को कैसे गिरा दिया और तुम लोग चुन्नी के साथ क्या कर रहे हो और टेबल कुर्सी गिरे हुए क्यों है, मुझे कुछ बताओगे? आईफोन सेलर ये भी कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो, तुम लोग यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो, सारा कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया है, अगर एक बार यहाँ पुलिस आ गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बुल्ली कहता है अरे नहीं, ये एक्सीडेंट तो गलती से हो गया है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया और हम लोग तो आईफोन लेने के लिए आए हैं। सेलर कहता है कौन सा आईफोन? ओ अच्छा तुम लोग आईफोन लेने के लिए आए हो, चलो आ जा दुकान के अंदर, मैं तुम्हें आईफोन दिखाता हूँ। दुकान के अंदर आते ही सोन एक बच्चे के साथ मटर गश्ती करने लग जाता है। आईफोन सेलर कहता है कि आप लोगों को कौन सा आईफोन चाहिए, यहाँ पर काफी सारा आईफोन है। बुल्ली कहता है देखो बुल्ली, सोन कैसे खेल रहा है उस बच्चे के साथ। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी थी? गुल्ली कहता है अरे ये क्या, सोन ने तो उस बच्चे को रुला ही दिया। सोन कहता है कि अरे नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है, ये मुझे फंसाना चाहता है इसलिए ये झूठ मूठ कर रो रहा है। आईफोन सेलर कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम इसे लप्पड़ भी मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं नहीं, मैं इसे लप्पड़ क्यों मारूंगा, ये तो बिना मारे ही रो रहा है, पता नहीं लप्पड़ मारने के बाद इसका क्या होगा। अरे तो जल्दी से उसे एक लप्पड़ मार कर देखो कि क्या होता है। बच्चा कहता है कि नहीं। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो रहे थे। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी थी? ओ माय गॉड, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे बाबा ने मारा था, और ये दूसरा मॉन्स्टर कौन है? चुन्नी मॉन्स्टर लोग से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोगों ने गुल्ली बुल्ली की गाड़ी क्यों गिराई। ये बात सुनते ही रेड वाला मॉन्स्टर कहता है कि तुम कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले, अगर तुमने फिर से सवाल किया तो पता नहीं तुम सवाल करने के लायक बचोगे भी या नहीं, मैं तुम्हें एक बार में ही चट कर जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। तभी आईफोन सेलर का मालिक बाहर आता है और मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और गुल्ली भी बाहर आता है। तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने सोन की बाइक को टच कैसे किया? अगर सोन को ये बात पता चलेगी कि सोन की बाइक तुम लोगों ने गिरा दी है तो पता नहीं सोन तुम्हारा क्या करेगा। सोन बाबा को बुला लेगा और बाबा से तुम लोगों को काफी ज्यादा मार खिलवाएगा और फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि आखिर बाबा क्या चीज है। तभी गुल्ली और सोन भी वहां आ जाते हैं। सोन जैसे ही अपनी बाइक को गिरा हुआ देखता है, सोन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को टच करने की, और तुम लोगों ने मेरी बाइक को तो गिरा ही दिया। चुपचाप मेरी बाइक को खड़ी कर दो वरना मैं तुम दोनों को काट डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग कहाँ लापता हो गए।
और सोन ये भी कहता है कि तुम दिखने में लाल लाल क्यों लग रहे हो और तुम्हारे पास तो सिंह भी है, क्या ये सिंह असली है? और अगर ये असली है तो मैं इसे काट डालूंगा और अपने घर की दीवार पर टांग दूंगा। ये बात सुनते ही लाल मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंह के बारे में बात करने की, मेरा सिंह काफी मजबूत है, वो कटेगा ही नहीं। तभी दूसरे मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और सोन की बाइक को वो लात मार देता है। ये देखकर सोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोन कहता है कि तुमने मेरी बाइक को लात मार दी और पिछली बार तुमने मुझे चपेड़ मारा था, मुझे याद है, तुम तो वही हो ना जो बाबा से पीटे थे और इस बार तुम फिर से बाबा से पीटोगे। मुझे पता है कि बाबा इस बार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे, बाबा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मॉन्स्टर कहता है चलो देख ही लेते हैं, बुलाओ बाबा को, कहाँ है तुम्हारे बाबा। तभी रेड मॉन्स्टर कहता है कि हाँ हाँ बुलाओ बाबा को, मैं देख लेता हूँ कि कौन है तुम्हारे बाबा, और वैसे भी मैं तुम्हारा शकल ज्यादा देर देखना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा शकल काफी गंदा है और मुझे ये भी पता है कि तुम अपना मुंह गोबर से धोते हो क्योंकि मैंने हॉरर ट्रेन वाली वीडियो देखी थी। ये सब बातें सुनने के बाद सोन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी गुल्ली कहता है कि चलो तो ठीक है, हम लोग बाबा को बुला ही लेते हैं, कल रात को 8 बजे आ जाना उसी जगह पे जहाँ फाइट हुई थी, और हाँ आने में ज्यादा देर मत कर देना क्योंकि बाबा को लेट नहीं पसंद है, वो बात अलग है कि बाबा खुद लेट से आते हैं। अब बाबा को गुल्ली बुल्ली सारी बातें बता देंगे तभी बाबा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयारी कर पाएंगे। अगले दिन 8 बजे गुल्ली बुल्ली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और दोनों मॉन्स्टर भी आज देर से नहीं आए हैं। ये लोग पहले से ही आकर बाबा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर को पता है कि बाबा काफी ताकतवर हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ये तीनों भी आए हुए हैं। दरअसल ये तीनों को बाबा की फाइट देखनी है और इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली अभी तक बाबा क्यों नहीं आए, और मुझे पता है कि बाबा अभी थोड़ी देर के बाद ही आएंगे क्योंकि बाबा हमेशा यहाँ आने में लेट ही कर देते हैं, और आज तो सोन भी नहीं आया है, आने दो सोन को, मैं तुम्हें आज उठा उठा कर पटक दूंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे सामने मैं सोन को उठा उठा कर पटक दूंगा और तुम भी देखते रह जाओगे और तुम्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन एक बार आज आने दो सोन को, और पता नहीं बाबा भी कब आएंगे, हम लोगों को बाबा के पास फ़ोन कर देना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है कि हाँ हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बाबा के पास फोन ही कर देना चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ है, अगर बाबा भी बाइक में होंगे और जब भी बाबा बाइक में होते हैं तो बाबा फोन नहीं उठाते हैं, इसलिए फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा। बुल्ली ये सब कह ही रहा होता है कि तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और बुल्ली कहता है कि देखो गुल्ली उधर। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं और बाबा अपने साथ सोन को लेकर आए हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन सोन को देखकर इन लोगों को गुस्सा आ रहा था, और इधर ये दोनों मॉन्स्टर और भी ज्यादा लड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें डर है कि बाबा इन दोनों को हरा ना दे, और इधर ये तीनों भी बाबा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अब ये लोग बाबा की फाइट देख पाएंगे। थोड़ी देर में सारी तैयारी हो जाती है और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। सोन कह रहा होता है कि बाबा आज अच्छे से लड़िएगा, ये कहते ही सोन पीछे चला जाता है। हाँ बाबा बिल्कुल ऐसे ही, इसे और मारिए, और फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। सोन कहता है कि अब आप लोग शुरू कर सकते हैं, और ये कहते ही सोन पीछे जाने लग जाता है और शुरू हो जाती है बाबा और मॉन्स्टर की फाइट। अरे ये क्या, बाबा के एक ही किक से मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरा है और साथ ही साथ सेलर को भी लेकर गया है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो रहे थे। तभी मॉन्स्टर उठ जाता है और सेलर भी उठ जाता है, और सेलर कहता है कि चलो बेटा यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होगा। और ये सब कहने के बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रेड मॉन्स्टर कहता है कि बाबा आप ये गलत कर रहे हैं, आप बॉक्सिंग रिंग से हमें बाहर क्यों फेंक रहे हैं, मुझे पता चल चुका है कि आपके पास कितना ताकत है, आप मुझे एक बार में ही उड़ा उड़ा कर मारते हैं, इसलिए मैं आपके साथ अकेले नहीं लड़ूंगा, अगर आपके पास दम है तो हम दोनों से एक साथ लड़िए, उसके बाद पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और मुझे पता है कि हम दोनों मिलकर आपको काफी मारेंगे। ये बात सुनते ही बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग दोनों एक साथ में आ जाओ, मैं दोनों को संभाल लूंगा, मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है। और बाबा ये भी कहते हैं कि ज्यादा देर मत करो, जल्दी आ जाओ अंदर क्योंकि मुझे तुम लोगों को मारना है, क्योंकि मेरे जिम जाने का टाइम हो गया है और मुझे जिम करना है, और हाँ पिछली बार की तरह तुम अपने भाई की तरह यहाँ से भाग मत जाना। ये सब सुनकर मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और एक साथ ही दोनों मॉन्स्टर बाबा के ऊपर अटैक करता है, और फिर इन लोगों की एंट्री होती है और कुछ देर के बाद ये लोग फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सोन ये सोच रहा होता है कि पता नहीं दोनों मॉन्स्टर से बाबा लड़ भी पाएंगे या नहीं। थोड़ी देर में दोनों मॉन्स्टर बाबा के ऊपर एक साथ ही अटैक करते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो दोनों मॉन्स्टर को एक बार में ही रिंग से बाहर भेज दिया है और ये दोनों मॉन्स्टर फिर से रिंग से बाहर आकर गिरे हैं। बाबा से मार खाने के बाद ये दोनों मॉन्स्टर को पता चल चुका है कि बाबा कैसे आदमी है। थोड़ी देर में ये दोनों मॉन्स्टर यहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर को पता चल चुका है कि ये बाबा के सामने नहीं टिक सकते। Run. मॉन्स्टर को भागता देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से बाबा एक बार फिर से फाइट जीत चुके हैं और इस बार तो बाबा दो दो मॉन्स्टर को एक साथ ही मारे हैं। बुल्ली कहता है, मुझे पता था कि ये दोनों मॉन्स्टर मार खाने के बाद यहाँ से निकल लेंगे और देखो वही हुआ। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें।